बरकतों को ले जाएगा। दिल से मैं बता रहा हूं, धन है कि जिनको वो चुनकर अपने समीप आने देता है। आप यहां पर आ रहे हैं, अपनी बरकतों को लेते रहिए, छुटकारे को लेते रहिए, उद्धार को लेते रहिए, नजात को लेते रहिए। क्योंकि मेरा ये गवाही है, जब की बेटी दूसरा गाना जो गा रही थी, मेरी सफाई हो रही थी। हर इंसान है, हम दुनिया में निकलते हैं, बहुत सी गलतियां होती हैं, बहुत से पाप होते हैं, प्रभु मेरी सफाई कर रहा था। उसकी नजरों में जो गलत था मैं शायद वो काम करता चला जा रहा था, पर एक दिन मुझे उसने पकड़ लिया। वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता, याद रखिए अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। अपने लोगों के लिए ही उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि पाप और मृत्यु को पर गवाही हो सके और उसके लोग बचाए जा सके। आप सबको मालूम होगा कि वो इसीलिए आया था, इसीलिए उसके क्रूस की मृत्यु को सहा है, ताकि आप और हम बचाए जा सके, मृत्यु से बचाए जा सके, जो मृत्यु उस बागे अदन में हुई थी, जो मृत्यु आदम और हवा के पाप के द्वारा शुरुआत हुई थी, कोई मृत्यु नहीं थी, कोई नरक नहीं था। इस प्रकार सभी बहन के द्वारा बताया गया कि नरक शैतान के लिए आप और हमारे लिए तो है ही नहीं, लेकिन जब पाप हुआ, मृत्यु आई और उस मृत्यु के द्वारा सबको मरना है, देखिए सबको मरना है, लेकिन लिखा है कि वो पहले आदम से मृत्यु आई और दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन आया। जितने ऊपर विश्वास करते हैं वे नाश नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। जिस जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है अनंत जीवन पाएगा। पिछले गेट में कल गया तो पाठ लिखा है कि मेरा भवन सब धर्म के लोगों के, सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का भवन। सचमुच बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, ये जाति तो आप और हमारी बनाई हुई है, ये ठप्पा ये मोहर आप और हमने लगाया है, काला धागा लाल धागा ये वो ये सब आप हमारी देन है। हमारी जहां तक दिमाग, हमारी जहां तक सोच जाती है, हम उस चीज को करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें छुटकारा देने आया है, वो हमें स्वतंत्र करने आया है। लिखा जहां परमेश्वर होता वहां पर क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। और प्रभु जब स्वतंत्र करता है ना तो भूल जाते हैं हम, गाने के म्यूजिक भूल जाते हैं, गाने के शब्दों को भूल जाते हैं, हम स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, इबादत करते हैं। और जब स्वतंत्र रूप से इबादत करते हैं प्रभु प्रसन्न होता है। जो अन्ना में लिखा है कि प्रभु ऐसे इबादत वालों को ढूंढता है जो कि सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करते हैं। जब आप सच्चाई और रूह और सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ जब इबादत करते ना तो प्रभु प्रसन्न होता है। और वचन बताता है कि उस समय स्वर्गदूत इकट्ठा हो जाते हैं। आपको मालूम है सुलेमान के पुसारा था, बैतसदा का पुण्य था, योहन्ना 5 में लिखा है कि नियत समय पर प्रतिदिन क्या होता था, स्वर्गदूत आते थे और पानी गिरता था, और जब पानी गिरता था जो बीमार उसके अंदर सबसे पहले चला जाता था वो क्या हो जाता था। याद रखिए स्वर्गदूत, वचन बताता है मलाकी में लिखा है कि जब उसके लोग इकट्ठा होते ना, इसी प्रकार से सच्चाई और आत्मा के साथ जब इबादत करते ना तो प्रभु के स्वर्गदूत उपस्थित हो जाते हैं। और जब स्वर्गदूत उपस्थित होते हैं इस कारण से होते हैं ताकि आप और हमें एवज में क्या दे सके, इनाम दे सके, छुटकारा दे सके, नया जीवन दे सके, उद्धार दे सके, चंगाई दे सके। भूल जाया करिए सब कुछ, कहां बैठे हैं, प्रभु के साथ एक कनेक्शन बना लिया करिए।
प्रभु ऐसी चीजों को पसंद करता है। जब प्रभु प्रसन्न होता है ना तो आपको मालूम है ना कि हमें कोई आशीष देने से वो नहीं सकता। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था जब इस भवन में आया कि मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे, हर्ष के आंसू थे, क्योंकि सच मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति को महसूस करा। मैं तो आया हूँ चला जाऊंगा। आप लोग लकी हैं क्योंकि आप लोगों को हर रविवार ये मौका मिलता है। कई जगह मैं जाता हूँ लेकिन जो आनंद मुझे यहाँ पर मिला है सच मुझ प्रभु की उपस्थिति पाई जाती है। मैं हृदय से बोल रहा हूँ उस उपस्थिति को जाने ना दिया। हर रविवार आया करिए वहां पर प्रभु के आनंद को अपने साथ ले जाया करिए। ये चीज आपको दुनिया में नहीं मिल पाएगी। जितना पैसा आ जाए आपके पास, जितनी भी आपके पास सुख सुविधा की चीजें आप आए आ जाएं, उसमें आनंद नहीं है। एक बार अगर आपको प्रभु में आनंद मिल गया ना तो वो स्वाद अगर आपने एक बार चख लिया ना तो आपके अंदर किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं। एक और चीज बताऊं, यीशु मसीह के आने से पहले कुछ चिन्ह होंगे। उनमें से एक चिन्ह है कि पूरी हर जाति तक के सुसमाचार का प्रचार होगा। लिखा है कि जब पूरे संसार में ये वचन का प्रचार हो जाएगा तो उसका आना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि प्रभु अपने वचन को बहुत अहमियत देता है। लिखा है कि उसने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को क्या दी है, इंपॉर्टेंस दी है। इसको पर ध्यान करा करें, मनन करा करिए। प्रार्थना के द्वारा तो अपनी बात को प्रभु तक पहुंचाते हैं। प्रभु की बात को अगर आपको सुनना है ना, उसकी आवाज को सुनना है तो वचन के मार्फत अपनी आवाज को आप तक पहुंचाता है। प्रार्थना जब आप करते हैं तो अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें, अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी ख्वाहिशों को आप प्रभु तक पहुंचाते हैं। और जब प्रभु बात करना चाहता है ना तो प्रभु इन वचनों से आपसे बात करता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की आवाज सुने ना तो वचन को अवश्य पढ़ा करिए। वचन कितनी अहमियत है कि आपको बताया कि सबसे पहले उसका वचन एक एक जन के कानों तक पहुंचेगा तभी तो उसका आना होगा। और जब तक उसका वचन एक एक कानों तक नहीं पहुंचा और नहीं पहुंचेगा उसका आना नहीं होगा। पूरी यूनिवर्सल, पूरी वर्ल्ड वाइड वचन का प्रचार होगा। और दूसरी चिन्ह क्या होगा कि बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और ऐसे जादू टोने, ऐसी चीजें करेंगे और तुम्हें क्या करेंगे, भरमाएंगे। वो कहता है कि असली चरवाहा मैं हूं, मेरे सिवाय कोई द्वार मैं हूं, उस उद्धार का, उस स्वर्ग का द्वार मैं हूं, मेरे बगैर तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते। और जो मेरे पहले या मेरे बाद में आए वो सब चोर और डाकू हैं। इस चीज को गांठ बांध दीजिए। उद्धार आपको सिर्फ यीशु मसीह के मार्फत ही मिलेगा, उसके बगैर आपको कहीं उद्धार नहीं मिलेगा। और आपको उस उद्धार पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी अदा करनी है। सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको करनी है, वो क्या करना है, विश्वास। सिर्फ विश्वास आपको कहा है तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी है तो तुमने जग जीत ली, तुमने उद्धार को प्राप्त कर लिया। हमसे कुछ नहीं चाहता है, ना सोना, ना चांदी, ना चढ़ावा, ना कुछ नहीं। कहा है कि वो आपसे क्या ना चाहता, सिर्फ विश्वास। विश्वास रखो तो तुम नजात को देखो। मैं सोच रहा था प्रभु से मांगू क्या मांगू, मैं अपनी बाइबल लेके नहीं आ पाया था। प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, सचमुच सफाई का वचन दिया। बहुत सी चीजें प्रभु ने मुझे बीते 8 महीनों में बताई है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता, बहुत प्रेम करता प्रभु। मैं खड़े होकर कह सकता हूँ ये घमंड इसलिए नहीं कि मैंने बहुत अच्छे काम करे हैं या मेरा जीवन बहुत अच्छा है। मैं घमंड इसलिए करता हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना है। प्रभु सेवकाई किसी भी तरीके से किसी भी रूप में ले सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमने सफेद कपड़ा पहन लिया या पास्टर की डिग्री ले ली तभी प्रभु का काम हो पाएगा। प्रभु का काम तो आप जैसे लोगों से कराता है। तो मालूम है ना प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। तो आप क्या करते हैं, उन कामों को क्या करते हैं, दूसरों को बताते हैं गवाही के द्वारा ना। प्रभु आपको इस्तेमाल करता है। उसी समय प्रभु ने आपको इस्तेमाल करा क्योंकि गवाही किसकी हो रही है, महिमा किसकी हो रही है, प्रभु की हो रही है।
दवाई देने से कभी मुंह बंद ना रखे, क्योंकि दवाई के द्वारा हम प्रभु की महिमा करते हैं, दूसरी चीज शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलते हैं। प्रकाशित वाक्य लिखा है कि जब आप दवाई देते ना तो लिखा है कि इस दवाई के द्वारा ही आप क्या होंगे, जवंत। ऐसे भी प्रभु का काम होता है, जब आप अपने आस पड़ोस अपने घर के परिवार के लोगों को प्रभु के वचन के बारे में बताते हैं ना, तो ये प्रभु का काम हो रहा है। जरूरी नहीं है ढेर सारे लोगों के बीच में प्रभु का काम हो, और जो ये चाहते हैं कि ढेर सारे लोग उन्हीं के बीच में वचन का प्रचार करूं, इसका मतलब है वो आपसे या उन लोगों से आशीष प्राप्त, उनसे कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते लिखा है, वो भागे हैं, धन्य वो है जो कि प्रभु से आशीष को प्राप्त करना। आप जब अपने लोगों को ना दो चार लोगों के बीच प्रभु के वचन में प्रचार करेंगे ना, जब अद्भुत काम जो प्रभु आपके जीवनों में करता है, जब गवाही देंगे ना, तो आप आशीष प्रभु की ओर से मिलेंगे। आपके बीच यहां पर पढ़ा गया भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 आप लोग निकाल लीजिए, दिखाया कि ये पढ़ दीजिए कोई, तो मैं पढ़ूंगा। ए मेरे मन यहोवा को हर लेके, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। कईयों बार होता है कि हमें प्रभु आशीष देता है, उस समय उस पल के लिए तो बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, गवाही तक दे देते हैं, घर में हम एक ब्लेसिंग की इबादत प्रार्थना भी करा लेते हैं, मीटिंग भी रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद शायद हम भूल जाते हैं। लिखने वाला यहाँ भजन का कह रहा है कि उसी उसके किसी भी उपकार को ना, उठते बैठते हमेशा हमें प्रभु का धन्यवाद देना है, और उसे उसके किसी भी उपकार को ना भूलना है। और आगे लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। सचमुच अधर्म होते हैं, पाप होते हैं, बहुत से जीवनों में, चाहे वो पाप छोटे हो बड़े हो, पाप होते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि उसी को स्मरण रख के सब काम करना। लिखा है कि वही क्या करता है, कि वही तो है जो तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और किसी के पास अथॉरिटी पावर नहीं है कि आपके पापों को क्षमा कर सके। ओके, एक और चीज, जब आपसे पाप होते हैं ना, जब आपसे गुनाह होते हैं, चाहे छोटा गुनाह हो चाहे बड़ा गुनाह हो, आप कभी भी खुदा के पास आने से पीछे ना हटिएगा। जिस समय आपको एहसास हो कि आपने पाप करा है, फौरन आप खुदा के पास घुटनों के बाहर आ जाइएगा। मैं यकीन दिलाता हूं खुदा आपके अधर्म को क्षमा करेगा। वो जानता है पाप और हमारी कमियों को जानता है। वचन बताता है, लिखे 12वीं आयत में लिखा है, तो दियाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि, वो जानता है कि मनुष्य जो है ये मिट्टी से बना हुआ है, इसका हृदय बहुत नम्र है, ये बहुत चंचल है, ये बार बार बहक जाता है, ये इधर देखने लगता है, उधर देखने लगता है, ये दूसरों की बातों को सुन लेता है। बताता ना, लिखा है कि पहला तिमोथियुस में लिखा है कि हम उसके भक्ति की भेष को तो धरते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को दिखाना ऐसा कुछ, हम उसकी भक्ति का भेष को धरते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते। हम बताएं कैसे, हम सब चर्च आ रहे ना, विश्वास तो सब करते ना, सब करते ना विश्वास, ये प्रभु हमें चंगाई देगा, प्रभु हमें छुटकारा देगा, मेरे घर से विपत्तियों को दूर करेगा, मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। भक्ति का भेष तो धर रहे हैं लेकिन शक्ति को नहीं मान रहे हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं, किसी ने मेरे कानों में बात डाल दी, यहां नहीं वहां जाओ, ऐसे
जैसा कि वैसा करो, और हम क्या करते हैं उस समय खुदा की शक्ति को भूल जाते हैं और उनके कहे अनुसार हम करने लगते हैं। कईयों बार होता है, कईयों बार होता है, वचन बताता है अंत के समय में ये सब चीजें होंगी। लिखा है कि भक्ति का वेश तो धरोगे, खुदा के ऊपर विश्वास तो करोगे, चर्च तो आओगे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने लाल पीले नीले काले धागों को नहीं उतारोगे, उसके बावजूद भी अपने घर से कई तरह की तस्वीरों को नहीं हटाओगे, उसके बावजूद भी तुम्हारा दिमाग भटकता रहेगा, तुमने टीवी में देख लिया ऐसा हो रहा है और वहां पर भी जाने की कोशिश करेंगे, तुमने किसी के मुंह से सुन लिया अगर ऐसा वहां पर होता है तुम्हें आजादी मिलेगी, तुम्हारा छुटकारा होगा, तुम्हारे घर से तुम दर्द दूर हो जाएंगे, हम वहां पर जाने की इच्छा या लालसा इसराइली जो लोग थे ना अद्भुत कामों को देखे थे, चमत्कारों को देखा था यहोवा के,
यही इसराइली लोग है ना, जो कि क्या हुआ था उस गुलामी से जब निकले थे ना, तो मूसा के मार्ग पर जब वो निकले थे गुलामी से, जिसको खुदा ने तैयार करा था, जब ये भागे भागे जा रहे तो आगे इनको क्या दिखाई पड़ा, क्या दिखाई पड़ा बताइए, क्या दिखाई पड़ा जल्दी बोलिए, समुंदर दिखाई पड़ा ना। वो समुंदर को देख के भयभीत थे, लोग गुड़गुड़ाने लगे, अरे इस सच्चा तुम पीछे गुलामी में तुम सब मर जाएंगे। खुदा ने मूसा के मार्ग पर कहा कि इनसे कह दो कुड़कुड़ाओ ना, बुड़बुड़ाओ ना, आज तुम सामर्थ्य को देखोगे। खुदा ने मूसा के मार्ग पर इतना बड़ा सुपर नेचुरल काम करा, सुपर नेचुरल काम करा, पानी आगे बहता है ना, मूसा ने जैसे क्या करा, खुदा ने मूसा के मार्ग पर क्या करा, खुद काम करा कि क्या हो गया, पानी उसके बावजूद भी हम अपनी बुद्धि और विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं। इसीलिए लिखा ना भजन संहिता में लिखने वाला कहता है उसके किसी भी उपकार को याद रखिए। मैं आज आपके सामने इसलिए खड़ा हुआ ताकि इसके द्वारा आप इस चीज को पहचान पाए, आपके सहन में आपके दिमाग में ये बात आ पाए कि उसके उपकार को कभी भी ना भूलना। इतना हे मेरे मन उसके उसके नाम उसको धन्य है और कभी भी उसके उपकार को ना भूलना। दाऊद के जीवन में इतने इतने काम खुदा ने करे हैं। दाऊद क्या था, एक शेपर्ड था, गरड़िया था, गरड़िया बंदा जानते हैं, जो भेड़ बकरियों को चराने वाला, उसकी औकात क्या थी, कुछ नहीं थी। और उसके बाद उस दाऊद को उसने कहां से उठा के कहां ले आया, ये किसकी ओर से था, खुदा की ओर से था। आज हम जहां कहां से कहां पहुंचे खुदा की ओर से, लेकिन शायद कभी कभार हम खुदा की आशीषों को भूल जाते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगते हैं, ये तो मेरे भुजबल से हुआ, मेरी बुद्धि से हुआ है, हमने बड़ा सा घर बना लिया, अच्छा सा परिवार कर लिया, अपने बच्चों को पढ़ा दिया, या हमने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए, इसका मतलब है कि मेरी सामर्थ्य मेरी बुद्धि थी जिसके द्वारा हम कर पाए, या अच्छी से नौकरी पा ली, या बच्चों को अच्छी से नौकरी दिलवा दी। नहीं, ये सब किसकी ओर से होता है, खुदा की ओर से होता है। एक दिन ये दाऊद भी था, इसके मन में घमंड आ गया, इसके मन में घमंड आ गया। इसके पहले इसने क्या करा, गलत काम करा, जिसकी वजह से क्या हुआ, लिखा है इसराइलियों ने गलत काम करा, जिसकी वजह से क्या लिखा है, लिखा जल्दी से पढ़ दीजिए, लिखा है और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए ये कहकर उभारा, इसराइल और यहोवा की गिनती ले। गिनती लेना कोई पाप नहीं है, सेंसर होता ना, हम भी स्कूल में काम करते हैं तो हमारे को भी एक कभी गर्मियों की छुट्टी से पहले 15 दिन बड़ा परेशान रहे, गांव गांव जाते थे, एक एक घर में जाते थे, एक एक बच्चे का नाम नोट करते थे, जो 14 साल से ऊपर थे, 14 साल से नीचे थे, उनका फोन नंबर कहाँ तक पड़े हैं, एक एक हम परिवार का सर्वेक्षण कर रहे थे, एक एक बच्चे की गिनती ले रहे थे, एक एक बड़े बुजुर्ग की गिनती ले रहे थे, और उस गिनती को मोबाइल में ऑनलाइन फीड करके ये पूरा डाटा सरकार तक पहुँच रहा था। गिनती देना कोई गलत काम नहीं है, आपको मालूम है, इसके पहले भी मूसा के समय में खुदा ने बोला था मूसा से, खुदा की ओर से कहा गया था कि क्या कर, तू गिनती ले, लेकिन यहां पर खुदा की ओर से गिनती लेने को नहीं बोला गया था। मेरे साथ निकालिए निर्गमन 30 और उसकी 11वीं आयत से पढ़ दीजिए, जल्दी से पढ़िएगा भाई बहन। यहोवा ने मूसा से कहा जी, जब तू इसराइलियों की गिनती लेने लगे जी, तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें। लिखा है कि मूसा से यहोवा कह रहा है कि जब तू, इसके पहले लिखा, जब तू इसराइलियों की गिनती लेने लगे, तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा का प्रायश्चित करें, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा है तो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना पड़े। जितने लोग गिने जहाँ वे पवित्र स्थान के शिकेल के अनुसार आधा शिकेल थे, यहोवा की भेंट आधा शिकेल हो, 20 वर्ष हाँ, यह बताने का मतलब है कि जब तू गिनती ले,
यहोवा की ओर से गिनती हो और गिनती लेने के बाद कुछ उपहार धन्यवाद के रूप में यहोवा को अर्पित करी जाए। इसका मतलब है कि गिनती लेते समय आप लोग धन्यवाद दें यहोवा का कि सचमुच आज जो प्रभु ने हमें इस धरती पर रखा है ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए है। इससे नाम किसका ऊंचा हो? प्रभु का नाम ऊंचा हो कि प्रभु ने जो हमें इस संख्या में बढ़ाया है इसके लिए धन्यवाद प्रभु का हो और वह धन्यवाद के रूप में कुछ भेंट प्रभु को अर्पित करी जाए। ये प्रभु कहता था समय समय पर उसने मूसा के द्वारा भी अपनी प्रजा की गिनती कराई। इसलिए गिनती कराई ताकि सारा आत्मा और सारा ही महिमा किसको मिले? किसको मिले? प्रभु को मिले, यहोवा को मिले, खुदा को मिले। इसलिए वो मूसा से क्या करता है? अपने इज़राइल अपनी प्रजा की गिनती कराता है और गिनती के साथ कुछ भेंट भी अर्पित करने को कहता है। अब यहाँ पर आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा सैमुएल 24। लिखा है कि यहोवा का कोप इसराइलियों पर फिर बढ़ा और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए कह दोबारा इसराइल और यहूदा की गिनती ले। यहाँ पर जो गिनती लेने का प्रश्न उठ रहा है ये इसलिए उठ रहा है कि उस समय ये दाऊद और इसराइलियों ने क्या करी थी? गलती करी। इसी का एक वाक्य आप और देखें तो जो किटो यही लिखा है पहला इतिहास 21 निकालिए 21 दो अलग अलग स्टेटमेंट कोई भाई फिर से दूसरा सैमुएल 24 में लिया इससे पढ़ दे भाई या बहन। यहोवा का कोप इसराइलियों पर फिर बढ़ता है। यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़का और उसने दाऊद को उभारा कि वो क्या करे? गिनती ले। अब पहला इतिहास 21 पढ़ लीजिए। शैतान ने इसराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को सुनाया। इसके पहले पढ़ा गया यहोवा ने दाऊद को उभारा ना? और यहां पर लिखा शैतान ने इसराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। अब तो मालूम है ये जो काम हुआ था शैतान को जो उठाया गया था कि दाऊद के पास जाओ और उससे गिनती कराओ, ये पाप कराओ, ये काम गलत कराओ। यहां पर जो गिनती ली जा रही है यह परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं हो रही है या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं हो रही है। इसके पहले आपको बताया निर्गमन 30 में कि गिनती लेना जो होता था इसलिए होता था ताकि इसके द्वारा किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा हो। कभी कभार हम भी गलती कर जाते हैं ना, बहुत सी चीजें हमारे पास आ जाती हैं तो परमेश्वर की महिमा करना तो भूल जाते हैं, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वचन बताता है शायद उपकारों को भूल जाते हैं और हम अपनी तारीफ करने लगते हैं और हमारे मुंह से बड़े बड़े घमंड के बोल निकलने लगते हैं। अब तक हुआ है, अब आगे से ना करिए। किसी के भी जीवन में देखिए किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। प्रभु सब देख रहा है। अगर उसके विरोध में अगर हमने पाप किया है फौरन प्रभु के पास जाइएगा, माफी मांगिएगा, प्रभु पाप क्षमा करेगा। होता है हमारे जीवन में कभी कभार अपने पैसों पर घमंड कर जाते हैं, कभी कभार अपनी सुंदरता पर घमंड कर जाते हैं, कभी कभार अपनी अमीरी पर घमंड कर जाते हैं, अपने वैभव, अच्छा खाना पीना, अच्छा ओढ़ना, अंगूठियां पहनना, चेन पहनना, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना, चार पहिया की गाड़ियों में घूमना, हम कभी कभार घमंड कर जाते हैं, हमारे मुख से निकल जाता है 5,000 की साड़ी है, 10,000 की साड़ी है,
हीरे की अंगूठी है या मोटी दो तोले तीन तोले की चेन है, ये घमंड ना करिए क्योंकि प्रभु अगर आपको बढ़ाता भी है तो प्रभु आपको घटाना भी जानता है। उसके किसी भी उपकार को ना ना प्रभु का हमेशा धन्यवाद करते चले जाइए। शैतान को खुदा ने उभारा ताकि वो प्रभु के पास दाऊद के पास जाके उसको उभारे और वो क्या करे प्रजा की गिनती ले। आप कहोगे शैतान को कैसे उभारा जा सकता है? भैया शैतान को खुदा सब कुछ करा सकता है। एक समय था जब शाऊल को राजा नियुक्त करा गया था ना, शाऊल के विषय में आप लोग जानते ना, जानते हैं कितने लोग शाऊल के विषय में जानते हैं? हाथ उठाइए जरा। शाऊल को राजा नियुक्त करा था, राजा किसने नियुक्त करा था? शमूएल ने करा था। और शमूएल के पास ये आदेश कहां से पहुंचा था? खुदा की ओर से पहुंचा था कि शाऊल को राजा नियुक्त कर उसका अभिषेक कर। अभिषेक कर दिया गया, खुदा के लिए वो अच्छा आदमी था इसीलिए खुदा ने उसको और लोगों में से चुनकर अभिषेक किया। लेकिन शाऊल से एक गलती हो गई, गलती हुई थी ना शाऊल से, गलती हुई थी। क्या गलती हुई थी? कि शाऊल को जब बोला गया कि ये तेरे दुश्मन है, अमालेकी दुश्मन थे, इन्होंने मेरी प्रजा के खिलाफ बहुत गलत काम करे, उन पर नुकसान पहुंचाया है, जब मैं तेरे साथ रहूंगा उस युद्ध में तू जाना वहां पर उनसे लड़ाई करना और किसी को ना छोड़ना। उसने गलती करी थी ना, उसके अंदर लस्ट आ गया था, लालच आ गई, लालच आ गई थी ना। क्या लालच आ गई थी? कि जितना अच्छा अच्छा सामान था, अच्छे अच्छे जानवर थे, वो वहां से ले आया था। ये चीज खुदा की आंखों से क्या छिप सकती है? छिप सकती है? हम जब संसार में जाते हैं ना, आपको मालूम है ना कि हम एक लिस्ट बना के जाते हैं कि हमें बस ये सामान लेना। लेकिन आप बड़े बड़े जो मॉल होते हैं ना, ये मॉल में जब जाते हैं तो अपनी लिस्ट भूल जाते हैं। जो आपको शीशे में अच्छी अच्छी चीजें दिखाई पड़ती ना, आप क्या करते हो? ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये भी रख लो, होता है ना सब, ये लिस्ट होता है ना कराते। और उसके बाद क्या होता है? जब बिल आता ना, हमारी पॉकेट क्या कहती है? हम तो 3,000 का सामान बिल लेके जाते हैं, या तो 6,000 का बिल बनते हैं। उस समय आपको बड़ा अजीब सा फीलिंग होती ना, उस आदमी के सामने जो बिल बना रहा होता, फिर आप कह नहीं पाते हो भैया इसमें से ये वापस कर दो, ये वापस कर दो, नहीं होता है ना। ये सब लस्ट है, आंखों का छलावा। हम देख के क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते। शैतान आज के लस्ट हरेक के जीवनों में कई तरीके से डाल रहा है, कई तरीके से डाल रहा है। और इससे बचना कैसा है, कैसे बचना है? प्रभु के वचन से। वचन पढ़ाते ही प्रभु आपको हर इन सब चीजों से बचाएगा। शाऊल ने 10 करोड़ को अच्छे अच्छे जानवर मिले, शाऊल नहीं आया। ये बात खुदा को पूरी लगी, खुदा ने फिर शमूएल को भेजा कि देख गलत काम करा। शाऊल के पास जाता, शाऊल से कहता तूने गलत काम करा। शाऊल क्या कहता? अरे मैं तो खुदा को अर्पित करने के सब चीजें लाया था। तो शाऊल शमूएल कहता क्या खुदा ने मुझसे बोला था? घूस दे देते हैं, गलत काम करते हैं और उसके बाद उसमें से कुछ हम कुछ चीजें प्रभु को अर्पित करने की कोशिश करते हैं। प्रभु ऐसी चीजों से कभी अर्पित कभी खुश नहीं होता। गलत तरीके से मैंने पैसा कमा लिया और उसके बाद उस पैसे में से कुछ अंश हम प्रभु को देने की कोशिश करते हैं, तो प्रभु क्या ऐसे अंश से खुश होगा? चाहे 10वां अंश ले लीजिए, चाहे 20वां ले लीजिए, चाहे 50वां अंश प्रभु को दे दीजिए, प्रभु कभी खुश नहीं होगा। ये वो चीज बता रहा है जो शाऊल के जीवन में उसने करा। शायद आज हम भी ऐसी चीजें करते हैं, प्रभु में बनाना चाह रहा, अगर करते हैं तो छोड़ दीजिए। तो क्या हुआ उसके बाद? फिर शाऊल को प्रभु ने अप्रिय जाना, उसको किसने चुनाव करा? दाऊद का चुनाव करा। उसके पहले क्या करता था प्रभु? फिर क्या करा उसने? अगर आप पढ़ेंगे यही शैमों में लिखा है कि एक दुष्ट आत्मा भेज देता था शाऊल को, क्या करता था? क्या करता था? परेशान करता था। अब यही खुदा की ओर से दुष्ट आत्मा पहुंची और ये दुष्ट आत्मा शाऊल को क्या करता था? परेशान। और इसलिए खुदा ने बेटा की खुदा ने दूसरी योजना को तैयार कर लिया था। क्या योजना को तैयार करा? अब जब शाऊल परेशान होता था, दुष्ट आत्मा आता था और शाऊल का परेशान करता था, और जब परेशान करता था तो शाऊल ने क्या बोला कि उनके दुष्ट आत्मा परेशान करता, तो शाऊल के साथ जो लोग थे उन्होंने शाऊल से बोला कि एक जन है, एक जवान है, वो बहुत अच्छी वीणा बजाता है, और जब तक तू वीणा सुनेगा तुझे
निकाली। दाऊद को बुलाया जाता है और जब जब दाऊद बीड़ा बजाता है शाऊल के ऊपर से दुष्टात्मा हट जाता था और उसको बड़ा आराम मिलता था। और उसके बाद से क्या हुआ, दाऊद शाऊल के साथ साथ रहने लगा, शाऊल उसको बहुत पसंद करता था और उसको अपने हथियार ढोने वाला बना दिया। और उसके बाद खुदा की एक प्लानिंग देखिए, एक समय आता है किसी गोलियत को दाऊद मारता और उसके बाद कहां से कहां राजा बन गया। बन गया कि नहीं, इसकी प्लानिंग थी खुदा की। और एक समय यही आया कि दाऊद भी क्या हो गया, गिर गया। तब खुदा ने क्या करा, गिर तो गया लेकिन खुदा प्रसन्न रहता, खुदा अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। तंबी देना जरूरी है ना, तंबी देना जरूरी। लिखा है कि जिसको तंबी नहीं मिली मेरा पुत्र नहीं। अब उसने किसको चुना, शैतान को चुना, शैतान को चुना। शैतान जाता है, यहाँ पर लिखा उसने दाऊद को उभारा, दाऊद ने क्या करा, गिनती दी। गिनती लेना पूरी बात तो नहीं, मैंने भी आपको बताया निर्गमन 30 पे लिखा है गिनती लेना पूरी बात है। लेकिन आगे देखिए 24वीं आयत पे उसके बाद जो लिखा है, 10वीं पढ़ लीजिए, 24:10 दूसरा शैम्पल 24:10 जी। देखिए प्रजा की गणना कर दी उसके बाद जो दाऊद को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसका मन व्याकुल हो गया। तथा दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया वह महापाप है, महापाप है। क्या गलती करती थी दाऊद ने, क्या गलती करी, गिनती करना पाप था, गिनती करना पाप था, क्या गलती करी। ये गिनती लेना क्या पाप है, आपको बताएं। इसके पहले बताया था निर्गमन 30 में गिनती लेने के बाद आपको भेंट अर्पित करी जाती थी और गिनती खुदा की ओर से होती थी और गिनती इसलिए होती थी ताकि खुदा का धन्यवाद दिया सके, इतनी बड़ी बड़ी प्रजा सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। यहाँ पर गिनती लेने के बाद इसको एहसास हुआ कि जो गिनती ली है ना, इसमें खुदा के कोई नाम नहीं हो रहा है, खुदा की महिमा नहीं हो रही है। गिनती ली जा रही है इसलिए ताकि दाऊद जान सके कि उसके राज्य में उसकी प्रजा में कितने शूरवीर हैं, कितने भाला चलाने वाले हैं, कितने घुड़सवारी में शूरवीर हैं, कितने जंग लड़ने में बहादुर लोग उसकी सेना में है। इसको भरोसा कर रहा था इन शूरवीरों को, इनकी गिनती लेके वो किसके नाम को नीचा कर रहा था, खुदा के नाम को। ये जंग खुदा की होती है, इन शूरवीरों से जंग नहीं होती है। ये गलती करी थी उसने, गिनती लेके वो देखना चाह रहा था कि जरा देखो तू कितने लाख कितने हजार शूरवीर मेरी सेना में है जिनके बल पर फिर आगे चल के मैं प्लानिंग करूंगा और कितने राजाओं को मुझे हराना है। युद्ध को ऐसे ही एक युद्ध के विषय में आपको मालूम है, गिदोन, गिदोन के विषय में सुना होगा ना, गिदोन, गिदोन के विषय में बताया गया था। जब इजरायली लोग जब हार रहे थे, जब ये गलत काम करते थे तो इन आस पड़ोस के राजा इनको हरा देते थे, खुदा की ओर से होता था ताकि इनको सजा मिले। और जब ये प्रायश्चित करते थे उसी में से गिदोन को खड़ा करा, गिदोन से बोला कि देख चल अब मैं तुझे जितवाऊंगा। गिदोन शूरवीर होता है, कहता नहीं खुदा मैं ले जाऊंगा, न्यायियों में पढ़ती जाएगा, न्यायियों को साथ में कहता मैं ले जाऊंगा। खुदा कहता तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तुझे अब जिताऊंगा। खुदा गिदोन कहता मुझे क्या मालूम कि तू जिताएगा कि नहीं, अभी तक जिताया नहीं, अब कह रहा मुझे तू जिताएगा, चिन्ह मांग। गिदोन कहता मुझे चिन्ह दे, तो वह दो चिन्ह खुदा से मांगता, खुदा उन चिन्हों को पूरा करता, उसके हौसला अफजाई करता। फिर खुदा गिदोन क्या करता है, हजारों इसराइलियों को लेकर लड़ने के लिए तैयार होता है। अब जब लेके चलता खुदा कहता नहीं नहीं हजारों को नहीं चाहिए, फिर तो ये अपने भुजबल के ऊपर कहेंगे कि हम लोगों ने उस लड़ाई को जीत लिया कि हमारे पास इतने हजार सैनिक थे, इतने हजार योद्धा थे। खुदा कहता है कि जाके इनसे कह दे कि जो थरथरा रहे हैं इनमें से तुमने कह तो दिया है कि खुदा कह रहा है चल तो दिए हैं, विश्वास के दौर को लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर बगल देख रहे हैं चिंताओं को परेशानियों को सताओ के परिवारों में कई तरीके के सताओ देखते जो थरथरा रहे हैं, इनका दिमाग बहक रहा है,
देखते ही रह गए और वो आशीषों को लेकर चलते रहे। और चलने के बाद क्या कर रहे हैं, तो दुनिया में बांट रहे हैं। विद्वान ने कहा नहीं नहीं चलो तुम पीछे हटो, पीछे हटो। कितने पीछे हटे, 22,000 पीछे जो खतरा है तो 22,000 पीछे हुए। और उसके बाद विद्वान से कहा कि उस नाले में लेके चलो, जरा इनको पानी पिलाते हैं, हम तैयार करते हैं, तरो ताजा करते लड़ाई के लिए। अब क्या हुआ, वहां पर नाले के पास जब लेके गया तो उन्होंने कहा चलो जल्दी से इनसे को पानी पी ले, जल्दी से तैयार हो जाए। और जब पानी पीने के लिए वहां पर गए, कुछ लोग क्या करने लगे, बड़े तरीके से हाथ डाल के चुल्लू लगा के पानी पी रहे हैं। वो बड़े अकलमंद थे, बड़े समझदार थे, उनको किसके ऊपर भरोसा था, अपनी तलवारों के ऊपर, अपनी पर्चों के ऊपर, अपनी पावर के ऊपर कि हाँ इस तरीके से लड़ेंगे। वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इस तरफ से जाएंगे, इस तरफ से घेरा बनाएंगे, इस तरफ से उनको हम घेर लेंगे और इस तरीके से हम लड़ाई करेंगे, इस तरीके से वर्षा मारेंगे, इस तरीके से हम तलवार चलाएंगे। और उसमें से जो कुछ लोग थे वो पानी भी सही से नहीं पीना जानते, तो क्या करा उन्होंने वहीं पर गए और हाथ किनारे करे और क्या करा, नीचे पानी के स्रोत में चपर चपर जैसे कुत्ता और जानवर पानी पीता ना, पच 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 जवान से पानी पीने लगे। अब के दौर भी सोचा अगर मूर्ख इंसान है, पानी पीना तक नहीं आता है, पानी पीना तक नहीं आता है। खुदा ने कहा बस बस इन्हीं 300 लोगों को रख ले, इन्हीं 300 लोगों को आगे ले गए लड़ाई में, बाकी सबको पीछे करो जो बड़े अपने आप को अकलमंद समझ रहे हैं। विदोल ने कहा खुदा बाप सिर्फ 300 लोगों से लड़ाई लड़ेंगे तो सब मारे जाएंगे, नहीं युद्ध तेरा नहीं है मेरा है, तो देख में करता क्या। और उसके बाद वही 300 लोगों को खुदा लेके गया और वही चपा चपा करने वाले 300 लोगों से खुदा ने उस दुश्मनों के बीच ऐसा ऐसी वो कर दी कि वो घबरा कर समझ में नहीं आया, अपने लोगों को मारने लगे, आपस में एकदम मर गए और खुदा ने उस लड़ाई को जितवा दिया। यही दाऊद को इतनी लड़ाइयां जितवाई खुदा ने, किसके द्वारा जितवाई, अपनी सामर्थ्य द्वारा जितवाई। लेकिन ये दाऊद क्या करने लगा, ऐसे लोगों को मुटबल के लिए, अपनी सामर्थ्य प्रकट करने के लिए, इन लोगों को पर विश्वास करने के लिए मेरे यहाँ इतने योद्धा क्या करी, गिनती ले ली। दाऊद ने गिनती ले ली, उसके बाद उसको गिनती लेते समय तो बड़ा उसको अच्छा लग रहा होगा, अरे राजा वो जो कर्मचारी आए होंगे, अरे राजा उसने आगे लिखा है ना, अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ निकालिए तीसरी याद पढ़िए। युआब ने राजा से कहा प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और तेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए, परंतु हे मेरे प्रभु ये राजा बात क्यों चाहता है। हाँ, नवी याद पढ़िए जल्दी से पढ़ दीजिए। देखिए क्या सुनाया चोर, ये चोर सुनाया कि तलवार चलाने वाले योद्धा इज़राइल के तो 8,00,000 और यहूदा के 5,00,000 है। गिनती इसलिए ली जा रही है ताकि योद्धाओं की संख्या सुनाई जा सके, है कि नहीं, है कि नहीं। योद्धाओं की संख्या क्यों, ताकि राजा के मन में कमल फूल उठे कि इन्हीं योद्धाओं के द्वारा मैं लड़ाई जीतता हूं। गलत करा कि नहीं, तो बाद में ये दाऊद को गलती समझ में आई। अब दाऊद को गलती समझ में आए, खट से दाऊद के सामने एक नबी, एक उसको भेजा गया, एक दूत को भेजा गया। और क्या लिखा है, गलती से पढ़िए खत्म करूंगा, 11वीं आयत पढ़िए। रुकिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास जो दाऊद का दर्शी तक पहुंचा, जाकर दाऊद से कहे यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े। तब गाद एक नबी है जो यहोवा की ओर से नियुक्त करता है और वह यहोवा की ओर से जाता है, इसके बाद दाऊद के पास कहता है तूने जो पाप करा है इसकी सजा मिलेगी और इसकी सजा के तौर पे तेरे पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि तेरे राज्य में 7 साल का अकाल पड़े, तेरे राज्य
आज में 7 साल का काल पड़े, ठीक है, दूसरी या 3 महीने तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश पे 3 दिन तक मरी फैली रहे। 3 गलतियां का गलतियों के रूप में 3 सजा मिलेगी, 7 साल का काल, या 3 महीने तक तो अपने शत्रुओं से भागता रहेगा, या फिर 3 दिन तक तेरे देश में क्या होगी, मरी फैली रहेगी। उस समय दाऊद को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इससे पहले आपको पढ़ाया ना, दाऊद को अपनी गलती का एहसास हो गया था, उसने कहा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, और उसके बाद दाऊद के पास यहाँ पर उसके पास गलती को सुधारने का, पाप तो उसने हुआ, गलती करी, इसके विषय में उसको सजा मिलेगी, और सजा 3 रूप में आई उसके पास, और उसने बोला इनमें से 3 तो चुन ले, पहली सजा 7 साल तक तेरे राज में अकाल पड़ेगा, या दूसरी सजा 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहेंगे तो भागता रहेगा, या तीसरी सजा के 3 दिन तक तेरे राज में मरी पड़ेगी। दाऊद को उसी समय अपनी गलती का एहसास करा, इसकी वजह से दाऊद को बुद्धि दी गई खुदा की ओर से, और दाऊद ने बोला कि नहीं, मुझे इन तीनों में से बस एक ही विपत्ति चाहिए कि 3 दिन तक मेरे राज में मरी फैली रहे। क्यों उसने सिर्फ वही विपत्ति को मांगा? इसलिए मांगा क्योंकि उसको मालूम है कि अगर पहली विपत्ति उसके ऊपर आएगी, उसको किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर दूसरी विपत्ति आई, अर्थात जैसे कि 7 साल का अगर उसके ऊपर अकाल आया, तो उस अकाल के लिए उसको दूसरे राजा के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, और अगर 3 महीने उसके शत्रु दौड़ाएंगे तो उसको किसी दूसरे मनुष्य के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा भाग के बचने के लिए, और अगर ये तीसरी विपत्ति जो है ये 3 दिन तक मरी फैली रहेगी, ये विपत्ति खुदा की ओर से होगी, बेहतर है कि किसी मनुष्य आके हाथ फैलाओ, मैं खुदा के ऊपर हाथ फैलाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरा खुदा जो आगे हमारी गलती पर हमें पाप की सजा देता है, सजा के बाद वो क्या करता है, उसको क्षमा भी करता है। उसको मालूम है मेरा खुदा अगर मुझे सजा देता है तो सजा के रूप में उसको क्या करता है, क्षमा करता है। कहा है कि प्रभु क्रोध में बड़ा धीमा है कि नहीं। याद रखिए, इससे हम यह सीखते हैं कि अगर हमारे जीवनों में गलती हो जाए ना, इसे मनुष्य के पास ना जाइए, प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको उस गलती की क्षमा भी देगा। उसने कहा कि मुझे 3 दिन की मरी चाहिए, क्योंकि ये मरी प्रभु की ओर से है, मुझे किसी इंसान के आगे हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, चौधरी है दाऊद के दांत से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। कहता मैं यहोवा के हाथ में पड़ सकता हूँ, क्योंकि वो क्षमा करने वाला है, उसकी दया बड़ी है। उसके बाद अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि 3 दिन तक मरी फैली है। 3 दिन, यही जो शूरवीरों के ऊपर दाऊद जो विश्वास कर रहा था ना, तलवार चलाने वाले, धनुष चलाने वाले, जो यहाँ यहूदा और जो यहाँ पर जो 10 लाख और जो 5 लाख है ना, दाऊद अब समझ जाता है कि इनकी गिनती सब बेकार है। 3 दिन मरी फैलती है, मालूम कितने लोग मर जाते हैं, 70,000 ही समझ है। ये युद्ध परमेश्वर का है। आज जो हम दौड़ लाना संसार में लिखा है, तुम्हारी क्या है, दौड़ है। इस दौड़ में कहीं अप्स आएंगे, कहीं डाउन्स आएंगे। देखा है मूर्ख ने कहां पर अपना घर बनाया, बालू पे, चट्टान में। किसने घर बनाया, समझदार ने, बुद्धिमान ने। कई आदमियां थपेड़ियां लेकिन चट्टान में जिसका बनाया होगा तो कभी ना। मेरा हमारी चट्टान कौन है, यीशु मसीह। हमारा आधार कौन है, यीशु मसीह। अपना घर यीशु मसीह की नींव के ऊपर बनाइए, कभी आपका घर नहीं गिरेगा, चाहे जितनी आंधियां आए, कितने चट्टान आए। देखा था भी 7 बार गिरता, लेकिन 7 बार उसको उठ के खड़ा कर ना? 7 बार दिखा है कि दाऊद ने इस चीज को मारा, उसके पास 70,000 ये बहादुर लोग सब मर गए। जब सब मरे ना, उसके बाद तो क्या हुआ, परमेश्वर को दुख आया। देखा ना, 16वीं आयत, परंतु जब भूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा ये विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। यहोवा दुखी हुआ, वो हमारे नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो हमें हमेशा मन फिराव का अवसर देता है। यहोवा दुखी हुआ और उसने मन फिराव का दाऊद को अवसर दिया, और दाऊद से बोला कि जाए तो उस खेत में जाकर एक वेदी बना, तो मैं विपत्ति उससे दूर कर दूंगा। दाऊद उस खेत में उस शख्स से वो खेत लिया और वहां पर एक वेदी बनाई, और आज जो सुलेमान ने जो हैकर बनाया था ना, पहला हैकर
वो एकदम उसी स्थान पर खड़ा है। प्राश्चित की वो वेदी बनाई थी जिसके द्वारा खुदा ने क्या करा था, दाऊद से वो भक्ति को दूर कर दिया, तो उसके पाप को क्या करा था, क्षमा। आप आज हम इस वचन से ये सीख सकते हैं, अगर आपके जीवनों में कोई गलती हुई हो कहीं ना चाहिए खुदा के पास आ जाए, दुखों के बच खुदा से क्षमा मांगिए और खुदा उसको भक्ति को आपके जीवन से दूर करेगा, वो आपको क्षमा करने में सामर्थ्य खुदा परमेश्वर से आशीष।